हाय फ्रेंड, मैं हरिशंकर पांचाल फरीदाबाद से। काफ़ी दिन में आज वीडियो बना रहा हूँ, 2 महीने कम से कम वीडियो डालूंगा। तो इस कटर के ऊपर किस तरीके से धार लगाई जाती है मैं उसके बारे में आज बताऊंगा आपको, और बहुत ही आसानी से इसमें धार लग जाएगी। नया कटर है, पहली बार इसमें धार लगने आई है, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये देख सकते हो आप, ओके। तो अब मैं आपको इसकी धार लगाने का तरीका वो बताऊँगा। मेरा ग्राइंडर ये है, बिल्कुल 0-0 चलना चाहिए, फाइन एकदम। तो उसके लिए ये हमें एक तरीका होता है खोलने का, इसकी रिपट खोल के तब धार लगाई जाती है। एक मैं आज आपको तरीका बताऊंगा जिसमें खोलना नहीं है इसको, तो उसको मतलब नए कटर में, आप नए कटर को मत खोलो, ऐसे ही लगाने का जो आसान तरीका मैं बताता हूँ आज आपको। खोलोगे तो इसकी स्प्रिंग वगैरह सब जो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे मैं तो गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं तो कर दूंगा इसको सही। आप नए आदमी जैसे कोई भाई किसी को नहीं आता है, उसको गड़बड़ हो सकती है। तो मैं उसके लिए आज आपको बताता हूँ इधर खोले कैसे धार लगानी है इस कटर को। तो भाई कैमरा इधर लेकर आओ, इस कटर को आपको पूरा खोल लेना है इस तरीके से, जो साइड होती है ग्राइंडर की। अच्छा फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊँ, मेरी तो सारी वीडियो मैंने दूसरी दुकान में थी, मैंने दुकान चेंज करी है, अदर बदल किया है। तो मैं आप खड़े होकर ही काम करता हूँ, बाकी इधर भी बैठने का सिस्टम बनाऊंगा मैं। तो खड़े होकर किस तरीके से मुझे मैं काम कर रहा हूँ आज आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा इधर लाओ, इधर लाओ ना, इधर लगाओ पूरा। तो फ्रेंड ये बिल्कुल फाइन चलना चाहिए, बिल्कुल 0-0। तो फ्रेंड देखा आपने, मैंने किस तरीके से धार लगाई है। मैंने जो है ये वाली जो साइड है ना फ्रेंड, ये वाली साइड इसके साइड में लगाई, ग्राइंडर के साइड में, ग्राइंडर व्हील के साइड में लगाना। आपको ये मत सोचना कि मैं इधर लगा रहा हूँ, चिंगारी देख लो आप फिर दोबारा से। मैंने इधर लगाया इसको, अभी मैंने कर दिया है। अच्छा, इसके ऊपर ये रेसा आ जाएगा, ये रेसा जो आ जाता है ना साइड से, घिसाई करिए तो इसके ऊपर रेसा आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको चला देना ऐसे। ये देखो ये कट गया, इसका डोरा सा जो होता है, जो इसके ऊपर रेसा आ जाता है वो कट गया। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से लगाना है, मैं अगर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो चिंगारी किधर की साइड निकल रही है, देखो फ्रेंड, और ये बराबर यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फ्रेंड बिल्कुल बराबर घिसाई करिए, आप देख सकते हो इसे, पानी में थोड़ा ठंडा कर लो। अभी इसके ऊपर ये रेसा आ गया है, देखो पहले इसके ऊपर आया था तो इसको मैंने घिसाई नहीं की थी, अब ये साफ है, इसके ऊपर रेसा आ गया तो उसको इसी तरीके से चलाना है। देखो ये अपना आप कट के जो इसका रेसा हो जाता है वो नीचे गिर जाएगा। और फ्रेंड आसान सा तरीका है, धार लग चुकी है समझे। आप कस्टमर के सामने लगाओगे तो कस्टमर थोड़ा सोचेगा क्या काम किया, ये क्या हो गया है। कस्टमर को बोलो आप 1-2 घंटे बाद आइए, भी आधा घंटे बाद आइए, और आप देखोगे इसमें धार इतनी बेहतरीन लग चुकी है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये काला काला हो रखा है ना, जंग खाया हुआ है, तो फ्रेंड को कस्टमर ये बोलेगा इसमें धार ही नहीं लगाई आपने। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये जंग खा रखा है ना, उसको आप अपने ग्राइंडर से ऐसे साफ कर लो। ये आपको हाथ रखते वक्त फ्रेंड ये ध्यान जरूर रखना है, ग्राइंडर का जो ग्राइंडर की जो निशान है वो धार के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आगे किनारी पे बिल्कुल नहीं, आगे जो किनारी उस पर नहीं, पीछे पीछे काला काला साफ हो गया। अभी एकदम सही, आपको चलाने से ही पता लग जाएगा धार कैसी लगी है। अभी एकदम ऐसे चल रहा है जैसे कैंची। अब मैं आपको सीट भी काट के दिखाऊंगा, ये देख सकते हो फ्रेंड आप, तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने इसको धार लगाई, ये बड़े आसानी से धार लग चुकी है और बड़े आसानी से ही काम कर रहा है। आप इसे कुछ भी काट सकते हो, जितनी इसकी ताकत है। तो बेहतरीन धार लग चुकी है फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड मैंने काफ़ी दिन में वीडियो इस वजह से बनाई है कि मैंने दुकान शिफ्ट की है, अभी ढंग से सेटिंग भी नहीं कर पाया हूँ मैं,
तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं धीरे धीरे सारी सेटिंग बढ़िया ढंग से कर दूंगा। बाकी मैं अभी खड़े होकर काम करता हूँ, फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है।